आज की वीडियो में मैं माइनक्राफ्ट के अंदर 50 मॉड्स इंस्टॉल करने वाला हूं एंड फिर देखूंगा कि ये कैसा लगेगा। हाँ, अब आप कहोगे कि भाई तूने GTA 5 वाली वीडियो में कहा था कि अगर 50 के लाइक्स हो गए तो 100 मॉड्स वाली वीडियो डालेगा, तो भाई लोग उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि यार वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। बट तब तक के लिए ये देखो, जिसमें मैं माइनक्राफ्ट गेम को मॉड्स डाल के काफी ज्यादा रियलिस्टिक बना देने वाला हूं। इसके ग्राफिक्स चेंज कर देंगे, नए फीचर्स ऐड कर देंगे और पता नहीं क्या करेंगे। जो भी 50 मॉड्स की लिस्ट विद लिंक्स है वो मेरे आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के तक और बस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कोई भी मॉड्स इंस्टॉल करने से पहले देख लो एक बार कि ऐसा दिखता है माइनक्राफ्ट। मेरे पास जावा एडिशन है, इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रखा। एंड अब शुरू करते हैं मॉड्स इंस्टॉल करना। सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूंगा फोर्ज एंड ऑप्टिफाइन को, क्योंकि फोर्ज के बिना आप मॉड्स कैसे खेलोगे, और ऑप्टिफाइन से परफॉर्मेंस बेटर होती है और शेडर्स डालने का भी ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा मैंने माइनक्राफ्ट को डाउनग्रेड भी किया है टू 1.16.5, क्योंकि लेटेस्ट वाला इन दोनों को एक साथ नहीं चला पाता। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले एक शेडर पैक डालता हूं, जो कि मैंने चूज किया है सोनिक ईथर्स अनबिलीवेबल शेडर्स, यानी कि सीयूस रिन्यूड। एंड इनके डालने से गेम एकदम से चेंज हो गया है। लाइटिंग देखो आप कितना ज्यादा रियल लग रही है। सबसे ज्यादा तो सुंदर है इसकी वाटर की क्वालिटी, बहुत ज्यादा क्लियर और रियलिस्टिक लग रहा है इसका वाटर। इस शेडर पैक के साथ खेलने में आपको लगेगा कि यार मैं वनीला माइनक्राफ्ट कैसे खेल लेता था। देन माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड इतना बड़ा है और डेवलपर्स ने एक मिनी मैप तक नहीं दिया नेविगेट करने के लिए, तो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ जायरोस मिनी मैप, जो मेरे हिसाब से बेस्ट मिनी मैप मॉड है। इसमें जो मिनी मैप आता है आप उसे बहुत इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, वो आसपास की लोकेशंस एंड वर्ल्ड को दिखाता है। इवन आप बी प्रेस के लोकेशन भी मार्क कर सकते हो, ताकि अगर आपको उस लोकेशन पे वापस आना है तो आसानी से ढूंढ पाओ, जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट फीचर है। लगे हाथों तो मैंने जायरोस वर्ल्ड मैप भी इंस्टॉल कर लिया, जिसमें पूरा मैप आप देख सकते हो फुल स्क्रीन में। एंड ऑब्वियसली उसमें वही रीजन दिखेगा जो आपने एक्सप्लोर कर रखा है। अब हम जनरली गेम को फर्स्ट पर्सन में खेलते हैं, क्योंकि इसका थर्ड पर्सन मोड बहुत बेकार है। ऐसा इसलिए कि कैमरा कभी भी स्टीव के फ्रंट को नहीं दिखाता, पर बेटर थर्ड पर्सन मोड की मदद से आप कैमरा को फ्रीली रोटेट कर सकते हो एंड उसका फेस भी देख सकते हो। इससे एक्चुअली थर्ड पर्सन में गेम खेलना मजेदार हो जाता है एंड आप सभी डायरेक्शंस में भाग सकते हो, जंप कर सकते हो एंड कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक रिज से दूसरी रिज पे जाना होता है बिना नीचे उतरे, तो उसके लिए इंस्टॉल किया रोप ब्रिज मॉड, जिसमें सबसे पहले एक रोप गन क्राफ्ट करनी होती है एंड उसके बाद आप दूसरी हिल पे एम करोगे तो ब्रिज बना सकते हो और बहुत इजीली उसे पार कर सकते हो। अब माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड इतना बड़ा है, आप नॉर्मल भाग के या बोट बनाकर भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने इंस्टॉल किया सिंपल जेटपैक्स 2, जिससे आपके पास एक जेटपैक आ जाता है और अब आप सीजे की तरह बहुत इजीली एंड बहुत तेजी से वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो, नए बायोम्स ढूंढ सकते हो। फिर फिजिक्स मॉड की मदद से मैंने गेम में रियलिस्टिक फिजिक्स ला दी। उससे अगर आप ब्लॉक्स को ब्रेक करोगे तो वो रियलिस्टिकली ब्रेक होंगे, इवन ट्रीज के बस नीचे का ही ब्रेक कर दो तो वो पूरा बिखर के गिर जाएगा। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है देखना। अब नेक्स्ट मॉड के लिए मुझे पहले कोटलिन फॉर फोर्ज डाउनलोड करना पड़ा एंड फिर मैंने डाला बेटर फॉलिएज। उससे जो ट्रीज एंड वेजिटेशन होती है वो रियल जैसे लगने लगती है, क्योंकि माइनक्राफ्ट में सब कुछ ब्लॉक ही है, तो ये मॉड ट्रीज के फॉलिएज को थोड़ा रियलिस्टिक बना देता है। देन ऑटो प्लांट फॉरेस्ट की मदद से क्या होगा कि अगर आप किसी ट्री को चॉप करते हो तो उसके सैपलिंग जमीन पे गिर के धीरे धीरे नए ट्रीज बन जाएंगे एंड ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता रहेगा। बायोम्स ऑफ प्लेंटी से नए बायोम्स आ जाते हैं गेम के अंदर, लाइक रेन फॉरेस्ट, सीजनल फॉरेस्ट, लश डेजर्ट। इससे आपके एक्सप्लोर करने के लिए एरिया बढ़ जाएगा। माइन मेन्यू की मदद से क्या होगा कि हम 10 कीज का काम सिर्फ एक की में कर सकते हैं। बेसिकली एक व्हील खुल जाएगा, उसमें हर स्लॉट में एक एक्शन को सेट कर सकते हो एंड उससे बहुत इजी हो जाता है। और ग्रेव स्टोन मोड से आप जहां भी मरोगे वहां एक ग्रेव बन जाएगी एंड उसे तोड़ने पर आपको आपका सारा सामान वापस मिल जाएगा। देन बहुत जल्दी बिल्ड करने के लिए स्पीड बिल्डिंग इंस्टॉल किया, जिससे आप एक क्लिक में लैडर्स या रेल्स बिछा सकते हो दूर दूर तक। फिर अगर आप कभी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में नया वर्ल्ड बनाओ तो गेम आपको रैंडम जगह पे स्पॉन कर देता है, इससे आपका बहुत टाइम खराब होगा किसी विलेज को ढूंढने में। तो विलेज स्पॉन पॉइंट क्या करेगा कि आपको ओरिजिन के नियरेस्ट विलेज में ही स्पॉन करेगा। पर इस मॉड के लिए मुझे कलेक्टिव मॉड लाइब्रेरी भी डालनी पड़ी। अब विलेज में आया हूं तो विलेजर्स नेम मॉड से सभी विलेजर्स को नाम दे देता हूं जो उनके ऊपर लिखा हुआ आएगा, और इजी विलेजर्स मॉड से मैं इनको आइटम की तरफ पिक कर सकता हूं एंड कहीं पर भी ले जाकर छोड़ सकता हूं। बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं है। गेम को और थोड़ा रियल बनाने के लिए आइटम फिजिक्स मॉड डाला, जिससे फ्लैट आइटम्स एक्चुअली फ्लैट ही पड़े रहेंगे ग्राउंड पे, खड़े नहीं रहेंगे जैसे पहले होता था। देन स्कैनेबल एक बहुत ही यूजफुल मॉड है, जिससे मैं पूरे माइनक्राफ्ट को स्कैन कर सकता हूँ और पता लगा सकता हूँ अगर मेरे पास कोई एनिमल, लिविंग एंटिटी, मॉन्स्टर, रेयर एनिमल्स या ऐसा कुछ है, तो इससे माइनक्राफ्ट खेलना सही में बहुत आसान हो जाएगा। और गेम प्ले को और इजी बनाने के लिए मैंने जस्ट इनफ आइटम्स मॉड भी डाल दिया, जिससे सारी आइटम्स एक बड़े से यूआई में दिखती हैं, जहां आप उनकी रेसिपी, यूजेस एंड सारी इन्फो जान सकते हो बस करके। देन बैग ऑफ यर्टिंग मॉड बिल्कुल डोरेमोन की पॉकेट की तरह है, जिसमें आप बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स या बहुत सारे ब्लॉक्स को एक छोटे से बैग में पैक करके दूसरी जगह ले जा सकते हो।
नेक्स्ट मुझे जो मॉड इंस्टॉल करके आपको दिखाना था उसके लिए मुझे गेम को और ज्यादा डाउनग्रेड करना पड़ा टू 1.14.4, देन फोर्स 28.1.56 और ऑप्टिफाइन HDUF4 को इंस्टॉल किया। उसके चक्कर में पुराने मॉड्स तो डिलीट हो गए पर वो वर्थ इट था क्योंकि मैंने डाला नो क्यूब्स मॉड जिसने मेरे क्यूब वाले वर्ल्ड को स्मूथ कर दिया। एंड सीओ शेडर्स तो पहले ही डले हुए थे जिससे अभी और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था गेम। तो हम लोगों ने लगभग आधे मॉड्स इंस्टॉल कर लिए हैं जिसकी वजह से हमारा गेम काफी अलग एंड रियलिस्टिक हो गया है। ऊपर से काफी नए फीचर्स भी आ गए हैं और हम इसमें रियलिस्टिक टेक्सचर पैक्स डालने वाले हैं, नेदर एंड एंड को बदल देंगे और ना जाने क्या क्या करेंगे, आप खुद ही देख लेना। पर वीडियो को लाइक कर दो, आज फिर से 50,000 लाइक्स का टारगेट है, आई होप आप करवा दोगे। अब मैं वापस आ गया टू द वर्जन 1.16.5 एंड फोर्ज में ना कुछ खास मॉड्स मिल नहीं रहे थे तो मैंने सोचा कि अब फैब्रिक के मॉड्स इंस्टॉल करते हैं जिसके लिए फैब्रिक लॉन्चर और फैब्रिक API इंस्टॉल करना पड़ा। अब फैब्रिक के साथ एक पंगा है कि फैब्रिक एंड फोर्ज दोनों एक दूसरे के दुश्मन है तो दोनों के मॉड साथ में चलते नहीं, इसलिए मुझे शेडर्स यूज करने के लिए फैब्रिक एंड ऑप्टिफाइन डाउनलोड करना पड़ा। वो तो अच्छा था कि मिनीमैप, बेटर थर्ड पर्सन और फिजिक्स मॉड का भी फैब्रिक वर्जन आते हैं वरना वो भी नहीं चल पाते। देन बेटर नेदर मॉड से पूरे नेदर की फील ही चेंज कर दी, मतलब वैसे तो वो पहले ही इतना क्रीपी है पर अब तो वो और भी ज्यादा स्ट्रेंज हो गया है, तो इस मॉड के साथ नेदर को एक्सप्लोर करने में और मजा आएगा। फिर नेक्स्ट मॉड इंस्टॉल करने के लिए मुझे BC लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ा एंड उसके बाद मैंने डाला बेटर एंड जिसने नेदर की तरह एंड को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया एंड उसे और बेटर बना दिया दिखने में। उसके बाद मैंने इमर्सिव पोर्टल्स मॉड भी डाल दिया जिससे एंड पोर्टल और नेदर पोर्टल बिल्कुल डोरेमोन के एनीवेयर डोर की तरह बन जाता है, मतलब बीच में कोई लोडिंग स्क्रीन नहीं आती एंड इजीली उनके थ्रू जाया जा सकता है। चलो अब ओवरवर्ल्ड में कुछ और चेंजेस करते हैं, उसके लिए मैंने डाला रीपर्पस स्ट्रक्चर्स। इससे क्या होता है कि डिफरेंट बायोम्स में जो अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो सब मिक्स हो जाते हैं, मतलब जैसे डेजर्ट टेंपल सिर्फ डेजर्ट में मिलता था पर इस मॉड से वो स्नोई लैंड्स में ही मिलने लगेगा, ऑब्वियसली स्नो से ही बना हुआ होगा एंड ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाएंगे। वैसे इस मॉड को चलाने के लिए मुझे क्लोथ कॉन्फिग भी डालना पड़ा था। अब मेरा मन था कि माइनक्राफ्ट को और ज्यादा सुंदर बनाऊं दिखने में जिसके लिए डाला ड्रामेटिक स्काई रिसोर्स पैक। इससे स्काईज काफी ज्यादा रियल लगने लगेंगे जो पहले नहीं थे एंड सीयू शेडर्स के साथ तो इनका लुक और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। इवन अलग अलग वेदर के लिए स्काई चेंज भी होता रहता है। इसके बाद मैं डालूंगा वन ऑफ द बेस्ट टेक्सचर पैक्स जिसका नाम है पुलकरा। ये एक पेड टेक्सचर पैक है एंड इसी वीडियो के लिए मैंने खरीदा है। 1GB के इस पैक ने बहुत सारे ब्लॉक्स के टेक्सचर्स को बिल्कुल रियलिस्टिक बना दिया है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप माइनक्राफ्ट खेल रहे हो, घरों पे वुड के टेक्सचर्स देख लो बिल्कुल रियल लग रहे हैं, टॉर्च तो लग ही नहीं रहे कि माइनक्राफ्ट की हो, ऐसा लग रहा है रियल वर्ल्ड से लाकर लगा दियो किसी ने। देन आप ग्रास के टेक्सचर देख लो, सैंड का टेक्सचर देख लो, इवन ट्रीज ही देख लो जो पहले ब्लॉक ही थे वो अब घने हो गए हैं, उसमें तो रियल लीव्स आ गई हैं। इस टेक्सचर पैक के साथ खेलने में सही में बहुत मजा आने वाला है। साथ ही इसके क्रिएटर ने कहा था कि ये सीयू शेडर्स के ऊपर ही बनाए जिसका मतलब शेडर्स एंड टेक्सचर्स का कॉम्बो बिल्कुल परफेक्ट है। देन विजार्ड्स एनिमल्स ऑलमोस्ट 200 न्यू एनिमल्स डाल देता है गेम के अंदर। ये सब रियल लाइफ एनिमल्स हैं जो गेम में नहीं थे पर हाँ इनको ढूंढने में मुश्किल हो सकती है आपको क्योंकि ये अलग अलग जगह स्कैटर्ड है। यंग्स बेटर केव से क्या हुआ कि केव्स का इंटरनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर हो गया, मतलब आप जितना डीप जाते रहोगे आपको उतनी क्रेजी चीजें मिलेंगी, जहां अंडरग्राउंड वाटर, बड़े बड़े लावा के पूल्स और न जाने क्या क्या है। लेकिन हाँ इस मॉड के लिए यंग्स API भी डालना पड़ा था मुझे। फिर केव्स को ही और इम्प्रूव करने के लिए मैंने डाला केव बायोम्स मॉड और इससे क्या होता है कि केव्स के अंदर भी नए बायोम्स आ जाते हैं। ये बायोम्स कुछ तो ओवरवर्ल्ड के बायोम से सिमिलर होते हैं और कुछ यूनिक ही होते हैं। अगर ओवरवर्ल्ड में फॉरेस्ट का बायोम है तो केव्स में भी वेजिटेशन आने लगती है। देन फ्रेश एनिमेशन मॉड से डेवलपर ने कोशिश करी है कि एंटिटीज एंड मॉब्स की एनिमेशन चेंज कर दी जाए, मतलब जैसी ट्रेलर्स या सिनेमैटिक्स में होती है वैसी हो जाए। अब ये अंडर डेवलपमेंट है बट हम इसे यूज कर सकते हैं। फिर गेम प्ले को और इजी बनाने के लिए मैंने डाले माउस ट्वीक्स। इससे होगा कि आप बहुत ही कम क्लिक्स में क्राफ्टिंग कर पाओगे। वैसे तो बहुत से फीचर्स है इसमें लेकिन उसमें से एक है कि आप बस सिंगल क्लिक में सारे ब्लॉक्स को प्लेस कर सकते हो क्राफ्टिंग करते वक्त। क्रिएट मॉड बहुत ही पॉपुलर है जिससे आप ऑटोमेटिक चीजें डाल सकते हो गेम के अंदर। इसे सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है पर जो क्रिएशंस बनेंगी वो अमेजिंग होंगी, तो मैंने इसे भी डाल दिया। और लास्ट में मैं डालने वाला हूं द लेजेंड ऑफ हीरोब्राइंड, और क्यों ना डाले, मोजैंग तो डालने वाला नहीं। इससे ये मॉड बढ़िया है जिसमें आप एक श्राइन बना लो और उसे एक्टिवेट कर लो कर्स्ड डायमंड से। अब हीरोब्राइंड रैंडमली कभी भी स्पॉन हो जाएगा खेलते वक्त। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने कैसे माइनक्राफ्ट से शुरू किया था एंड उसे कैसा बना दिया है। अगर अच्छा लगा तो यार लाइक करो, 50,000 लाइक्स का टारगेट रखा है, हो जाने चाहिए। एंड चैनल भी सब्सक्राइब करो ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।